YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश कुमार पाठक, मैंने 63वीं BPSC परीक्षा में हिंदी माध्यम से 25वां स्थान प्राप्त किया है। इस क्रम में मैं अपने मुख्य परीक्षा के अनुभवों को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि आप सभी इनसे लाभान्वित होंगे। ये जो अभी आप स्क्रीन पे एक मार्कशीट को जो मुख्य परीक्षा है देख पा रहे हैं, इट बिलोंग्स टू मी। और आप यहाँ पे इस मार्कशीट को पहले देख लें, उसके बाद फिर हम इस वीडियो के अगले पड़ाव में कुछ और चीज़ों को आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो ये जो GS पेपर 1-2 यहाँ पे, इससे पहले हिंदी जो क्वालिफाइंग है, इससे मुझे 72 मार्क्स मिले। ये आउट ऑफ 100 क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद GS पेपर 1, ये इसमें 190 मार्क्स मिले। उसके बाद GS पेपर 2, इसमें 160 मार्क्स मिले। ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कहे जा सकते, लेकिन चूंकि 63वीं की मुख्य परीक्षा में GS पेपर 2 में मार्किंग अपेक्षाकृत थोड़ी कम रही, तो ठीक ठाक मार्क्स कहा जा सकता है। उसके बाद यह है ऑप्शनल, और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, और इसमें मुझे 177 मार्क्स 177 मार्क्स मिले, और ये ठीक मार्क्स कहा जा सकता है। तो रिटेन में कुल मिला के मेरे 527 मार्क्स थे, और इंटरव्यू में मुझे 105 मार्क्स मिले आउट ऑफ 120। और यहाँ पे चूंकि ये मार्क्स बहुत अच्छा रहा, तो कुल मिला के जो टोटल मार्क्स है मेरे 632, और 632 मार्क्स जो मुझे 10-20 में मिले, तो समग्र रूप से मेरा रैंक 25 आयोग के द्वारा दिया गया, और मुझे जिला नियोजन पदाधिकारी का पद मिला। तो इस क्रम में मैं अब इस वीडियो के अगले पड़ाव में आप सभी के साथ मुख्य परीक्षा को लेकर जो तमाम अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं होती है कि कितनी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, आपके तैयारी का तरीका क्या हो, तो इस क्रम में मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, और आने वाले 1-2 वीडियो में मैं कुछ और चीज़ों को कवर करके मैं चाहता हूँ कि आप सभी के साथ मैं BPSC मुख्य परीक्षा संबंधित GS पेपर 1 और GS पेपर 2 को डिस्कस करूं, और इस क्रम में मैं सबसे पहले GS पेपर 2 को आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और चूंकि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित तो अनेक वीडियो YouTube पे अवेलेबल हैं, लेकिन मेंस से संबंधित कोई ऐसा डेडिकेटेड चैनल मुझे नहीं दिखा, तो मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी के साथ सबसे पहले पूरी तरह से GS पेपर 2 को डिस्कस करूं। उसमें कुल मिला के 60 से 65 टॉपिक होंगे, और उसके बाद फिर GS पेपर 1 को, और फिर कुछ अभ्यर्थी अगर और जुड़ेंगे तो मैं जो मेरा ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है, इसको भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। हालांकि इसका सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के साथ मैं अपने नोट से इसको साझा कर सकूं, और चाहे GS पेपर 2 का डिस्कशन करूं या GS पेपर 1 का, मैं खुद के नोट से डिस्कस करूंगा, और वहाँ आपसे कुछ मैं अपने नोट्स के सैंपल को मैं साझा भी करूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो चलते हैं मेंस परीक्षा के तरफ, और ये देखिए जो हिंदी है, ये क्वालिफाइंग होता है 100 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं, और ये बड़ा ही आसान पेपर है, तो इसको लेके कभी मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश माध्यम के, दोनों इसमें आसानी से 33 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और इसको लेके आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा से 2-3 दिन पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं
उसको आप बना लें, और अगर आप उसको बना लेते हैं 6-7 साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो उससे आप इजीली जो है 60 से 65 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। इस पे ज़्यादा समय देना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी आसान किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मेनली चलते हैं जीएस पेपर 1 की तरफ। तो हिंदी को लेके कभी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए मन में। आप परीक्षा से 2-3 दिन पहले पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके आंसर को देख लीजिए, और उससे आपको जो 60 मार्क्स उसी से रहेंगे, तो इसमें कोई नहीं। अब आइए जीएस पेपर 1 के लिए। जीएस पेपर 1 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो 3 सेक्शंस जो इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की बात पहले करते हैं, इसमें आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि देखिए, आर्ट एंड कल्चर से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन। उसके बाद नेहरू, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 विचारक के ही विचार बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जो कि सिलेबस में मेंशन है। तो इन 3 विचारकों में से 1 क्वेश्चन वहां से है, तो 1 यहाँ से, 1 आर्ट एंड कल्चर से, 1 आपका हो गया जो थिंकर्स के विचार हैं जो टैगोर, नेहरू और गांधी हैं वहां से, और 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो या तो जनजाति विद्रोह या फिर मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड टू बिहार, 1857 रिवॉल्यूशन सब इसमें आता है। तो आपको 1 क्वेश्चन यहाँ से, तो कुल मिला के यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक ऐसा पार्ट है जीएस पेपर 1 का जो लगभग फिक्स होता है। ये इसमें ज्यादा लोगों को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन फिक्स किस्म के होते हैं। आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर में आपको 4 आर्ट एंड कल्चर पढ़ने होते हैं, 1 पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग्स इसमें आप पढ़ते हैं, और उनसे जो है 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो 1 क्वेश्चन जब यहाँ से आप इन तीनों टॉपिक को कर लेते हैं, 4 टॉपिक, 4 जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है उनमें से अगर आप 4ों को कर लेते हैं, तो 1 क्वेश्चन आपका इजिली यहाँ से आपका कॉपी से आ सकता है, 1 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद नेहरू, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को यदि आप 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, तो 1 क्वेश्चन आपको वहां से, तो 2 हो गए, वो भी क्वेश्चन फिक्स हो गए। और तीसरे क्वेश्चन जनजाति विद्रोह या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिहार का पोर्शन है उससे संबंधित, तो 1 क्वेश्चन वहां से, मतलब इसमें से 3ों क्वेश्चन में से आपको 3-5 पूछे जाते, 5 में से 5 आपके कॉपी से आ सकते हैं, और उसमें से आप 3 जो आपको बेहतर लगे उसे आप लिख सकते हैं। अब आइए इसी में बुक की बात करें, तो अनेकों बुक बाजार में अवेलेबल है आर्ट एंड कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए और थिंकर्स के विचार के लिए, लेकिन मैंने जो इसमें फॉलो किया बिहार नमन को फॉलो किया, और ये संतोष कश्यप की बुक बहुत ही अच्छी किताब है, और उसको आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम बुक को मेंस के लिए पढ़ें तो मुझे लगता है कि आप इसमें कर सकते हैं। अब आप आइए मैथ्स के लिए, तो इसमें आप बिहार नमन को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, और उससे 5ों क्वेश्चन आपको वहां से पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद आइए सेक्शन बी मैथ्स, मैथ्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सेक्शन जो है जीएस पेपर 1 का ये बड़ा ही मार्किंग सेक्शन है, और इसमें अगर आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं तो ये हमें लगता है कि आपको 200 के पार अगर कोई पहुंचा सकता है इस सेक्शन में, तो सिर्फ मैथ। तो मैथ को अगर आप कर पाते हैं तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो तो कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो कर ही पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका इसमें थोड़ा अलग है। तो इसके लिए आप क्या करें, मैथ के लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप क्या करें 56 से 59वीं, 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं, इतने मुख्य परीक्षा में, प्रत्येक मुख्य परीक्षा में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 4 मुख्य परीक्षा में प्रत्येक में 4 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन को आप 8
पार्ट से 9 बार प्रत्येक क्वेश्चन को मुख्य परीक्षा से पहले बना ले तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप यहाँ से आने वाले 4 में से 2 क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और यहाँ से अगर आप 2 क्वेश्चन 72 मार्क्स के अगर आप कर पा रहे हैं और इसमें से अगर आपको 60-65 मिल गए तो यहाँ से इजीली आप 200 क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन बड़ी उलझे किस्म के होते हैं तो कई बार अभ्यर्थियों को इसमें परेशानी होती है। अब आप आइए करेंट अफेयर सेक्शन जो सेक्शन सी है, इसमें क्या होता है 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जो 3 करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो वो 3 करंट अफेयर्स कोई ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा बात को कहीं से पूछ लिया जो आपको लगेगा कि नहीं हमको तो पता ही नहीं था, हम पढ़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इस 3 क्वेश्चंस में या 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें जो 3 आपको बनाना है ये बड़े ही फेमस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप उदाहरण लेके देखिए, जैसे 60 से 62 में जब ये 3 क्वेश्चंस पूछा गया था तो उसमें एक डोकलाम इशू को पूछा गया, तो आप जानते हैं कि डोकलाम इशू कितना चर्चा में था। एक विमुद्रीकरण के बारे में पूछा गया, वो भी आपको पता है कितना हाइलाइटेड था। एक GST के बारे में, तो तीनों क्वेश्चन बड़े हाइलाइटेड थे। उसके बाद आप 63वीं को देखें तो एक NRC के बारे में पूछा गया, एक रोहिंग्या के बारे में पूछा गया। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर आयोग के द्वारा पूछा जाता है जो कि काफी चर्चा में रहा हो, तो ये आपको मालूम रहता है। लेकिन इसके लिए तब भी आप बेहतर तैयारी के लिए आप और खास करके आपको मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी देना है तो इस क्रम में आप जो है इस चीज को फॉलो करें कि पर डे अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो किसी भी पब्लिकेशन का एक पेपर उसका एडिटोरियल नियमित रूप से, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे या जनसत्ता जो भी हो, वहां से एक पढ़िए। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो है उसमें 3 से 4 आर्टिकल प्रत्येक मंथ आता है तो उसको आप कीजिए और पर डे के कुछ घटनाक्रम को जो आप नजर तो रखेंगे क्योंकि आयोग के आप अभ्यर्थी हैं तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से आप ये इस तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं क्योंकि बड़ी हाईलाइटेड टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल मिला के मैं एक बुक को सजेस्ट करता हूँ जो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए किया, तो उसी को आप फॉलो करें। और तो यहाँ पे आपको ज्यादा बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक इसके लिए फॉलो करें, सिर्फ इस पार्ट के लिए जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन है उसके लिए। सेक्शन बी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएं और इसके लिए आप जो नियमित पेपर पढ़ते हैं तो उस पेपर का नोट्स भी बनाएं। तो आने वाले समय में आपके साथ साझा करूंगा कि मैंने अपने नोट्स किस प्रकार से बनाए और आपको भी बनाना चाहिए या आपका कोई अलग तरीका हो तो वो भी बहुत अच्छा है। अब आइए GS पेपर 2 के लिए। GS पेपर 2 में भी ये भी 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 सेक्शन A, B और C। सेक्शन ए में पॉलिटी, बी में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मिला के और तीसरा सेक्शन साइंस टेक। ये जो GS पेपर 2 है इसमें कहा जाता है कि अभ्यर्थी को या सबको ये लगता है कि ये बड़ा थोड़ा इसका जो पूछने का जो तरीका है, इसका दायरा है, वो GS पेपर 1 से थोड़ा अलग है। तो इसमें सबसे पहले आइए पॉलिटी सेक्शन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो पॉलिटी में 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो आप देख रहे हैं कि सामने लक्ष्मीकांत की किताब है, उतनी मोटी किताब और उसमें 40 से ऊपर से चैप्टर्स हैं, तो उसमें से आपको जो पूरा पढ़ के 3 क्वेश्चन में कहां से पूछे जाएंगे, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 3 क्वेश्चन जो आएंगे इसके लिए आपको पूरे लक्ष्मीकांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानकारी के लिए पढ़ें आप, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए उतना पढ़ने की जरूरत आपको वहां से नहीं है। शुरू के जो 11-12 चैप्टर हैं उनको आप वहां से करें और PPSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखें। तो जब आप सेक्शन सी जो GS पेपर 1 का था उसके लिए पेपर रीडिंग और न्यूज़पेपर और एडिटोरियल सबको संग्रहित करेंगे तो वहां से आपको पॉलिटी का कुछ यहाँ से लाभ आपको मिलेगा। और यहाँ से पॉलिटी के सेक्शन में आपको 17 से 18 टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना होता है और आपको क्वेश्चन उठा के देखिए, उसी से क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा आपका
अलग होना चाहिए जिसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीएस पेपर 2 से स्टार्ट करूंगा आप सभी के साथ डिस्कशन को। तो उसमें आप मैं 17-18 टॉपिक क्वालिटी में डिस्कस करूंगा, तो उसमें आप समझिएगा कि उसको किस प्रकार से तैयार करना है, और बड़ी ही आसान है, कोई इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे हम आप सभी के साथ लेके आएंगे। अब आइए इसका सेक्शन बी जो है ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये भी सेक्शन बड़ा लगता है कि पूरा इकोनॉमी है पूरा ज्योग्राफी है, और इससे आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो इतने बड़े दायरे से 3 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से आप देखें कि जीएस पेपर 1 के कुछ पार्ट फिक्स थे, तो इकोनॉमिक्स इसी प्रकार से फिक्स होता है। जो 4 से 5 टॉपिक, या चलिए और अधिक कर लेते हैं तो 7 से 8 टॉपिक अगर आप इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को इजीली वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात, और इसके लिए जो एक मिनट, जो पॉलिटी के लिए जो बुक्स है ना, वो लक्ष्मीकांत के शुरुआती चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ बिहार नमन जो आप जीएस पेपर 1 के लिए पढ़े, इसका एक वॉल्यूम 2 भी आता है। तो इसमें जो पॉलिटी के सेक्शंस दिए हैं लक्ष्मीकांत के 10-12 चैप्टर पढ़ने के बाद, आप उसको भी, उसके 10-12 चैप्टर या 17-18 चैप्टर है उसमें, तो उसको आप पढ़ लें, क्वेश्चंस उससे ही रहेंगे। तो बुक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसके लिए बिहार नमन को तो आप पढ़ेंगे, बिहार नमन का वॉल्यूम 2, और इसके साथ साथ कुछ और नोट्स जो इकोनॉमिक्स के जो फिक्स टॉपिक है वो बिहार नमन में दिए हुए हैं। और ज्योग्राफी के लिए जहां तक बात है, तो इसमें आपको बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत उलझे हुए किस्म के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से बड़े आसान प्राकृतिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चूंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैं इजिली यहाँ से कर पाया, लेकिन आप सभी के साथ जब मैं जीएस पेपर 2 को डिस्कस करूंगा, तो इस क्रम में मैं सेक्शन बी में आप सभी के साथ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को साझा करूंगा, वो बिहार ज्योग्राफी भी होगा, और जो इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में बातें हैं वो भी, और कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अगर टॉपिक यहाँ पे फिक्स है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाना है आपको, और 1 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लें। अगर किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लीजिए, तो यहाँ इसमें भी कोई विशेष दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आइए साइंस टेक। साइंस टेक का जो भाग है सेक्शन सी जीएस पेपर 2 में, तो देखिए सिलेबस में एक लाइन बड़ा क्लियरली लिखा, सिर्फ एक सेंटेंस, कि साइंस टेक में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ जो तकनीक है, या विज्ञान प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे सेक्शंस है जो डायरेक्टली लिंक है। आपसे टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि अब बताओ कि कोई जो टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करता है, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप उस सेंटेंस को समझ लेते हैं जिसमें क्या गया है कि मानव के जीवन से संबंधित जो तकनीक है उसको पूछा जाएगा, तो आपके लिए यहाँ से तैयारी करना बड़ा ही सरल हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, साइंस टेक आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से कितना आसान टॉपिक होगा यहाँ पे, अगर आप उस दृष्टि से करते हैं तैयारी। तो जैसे 64वीं की मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, और आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सफल हो पाया, और साइंस और तकनीक का उपयोग करते हुए आप इसको जो है कैसे इसमें सुझाव दे सकते हैं, या कैसे इसको बढ़िया बना सकते हैं। अब आप देखिए कि आपसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं पूछा गया। स्मार्ट सिटी मिशन आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो है भारत के चुने हुए 100 शहरों को विश्व के जो प्रमुख शहर हैं, जो अच्छे शहर हैं, उसकी बातें जो है अवसंरचना का विकास कर उसको जो है हम उसमें रहने वाले नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये जो साइंस टेक का टॉपिक है, इसमें आप स्मार्ट सिटी मिशन में थोड़ा सा परिचय दे के, अब आप जब आते हैं कि हम निम्नलिखित तरीके से साइंस टेक का इसमें उपयोग कर सकते हैं, तो आप देखिए साइंस टेक का इसमें आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, सोचना आपको इस डायरेक्शन में। जैसे आप घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक सिग्नल पे
रुकना पड़ता है, तो वहां पे जब आप रुकते हैं तो जो ट्रैफिक सिग्नल काम करता है वो एक साइंस का टॉपिक है। तो आप वहां पे लिखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल में यातायात के नियंत्रण में, तो यातायात के नियंत्रण ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जो मतलब ये तो जुड़ा हुआ साइंस टेक्स है। तो आप वहां पे कहेंगे कि हम ट्रैफिक का नियंत्रण या विनियमन इस प्रकार से करेंगे कि शहर का जो है संचालन या शहर में यातायात का संचालन जो वो सुगम तरीके से संपन्न हो सके। इसी क्रम में अब आप फिर तो कहेंगे कि जो जो सार्वजनिक स्थान है जो हमारे सिटी के, वहां पे हम सीसीटीवी कैमरे को लगा सकते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा को जो विषय वस्तु साइंस टेक से संबंधित है, तो एक और आपने बता दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि सीवेज की समस्या शहरों में बहुत अधिक है, तो यहाँ से आप कहे कि ठीक है सीवेज सिस्टम को हम सिंगापुर में जो प्रयुक्त होने वाली तकनीक है सीवेज में, वो सब हम कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटरिंग करेंगे उसको कि कौन सी बार का साफ करने का समय आ गया है, उसमें कितना हॉर्स पावर के आप इंजन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से एक ये हो गया। उसके बाद आप कहे कि ठीक है हम अग्निशमन सेवा की जो पुरानी व्यवस्था है उसके जगह पे हम रोबोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो ऊंचे घर हैं या जहाँ पे भीषण आग लग जाए तो हम रोबोट के माध्यम से उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसी प्रकार से एक जल का जल के स्वच्छता से संबंधित चीजों को जो साइंस टेक्स है उसको आप लिख दें। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित एक टॉपिक लिखें आप कि हम स्वास्थ्य पे काम करें। अब चूंकि स्वास्थ्य जो है अब साइंस टेक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो इस प्रकार से आपको 5 से 6 क्षेत्र ठीक है डिस्कस कर देना है उसमें, यही साइंस टेक। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, तो अब किसका एग्रीकल्चर में इसका ऐसे प्रयोग है, आप देखिए उसका पर्यावरण संरक्षण में ऐसे योगदान है, तो इस प्रकार से अलग अलग पशुपालन में इसका ये योगदान हो सकता है, जो हमारा बागवानी है उसमें ऐसे कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप जो है साइंस टेक को इस रूप में समझें, कोई भी टॉपिक अगर है तो उसका आप इस ये इस व्यू से सोचे कि कैसे जो ये मानव जाति, जैसे GM क्रॉप्स है तो उसमें आप सोचे कि ये जो GM क्रॉप्स है ये मानव के लिए किस प्रकार से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जाएगा, जो पशु है उसके लिए चारे की व्यवस्था की जा सकेगी। तीसरा है कि कम जगह पे आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो लैंड का बंटवारा है वो तो अब छोटे छोटे टुकड़ियों में लैंड जो बंट रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ व्यवहारिक पक्ष जो साइंस टेक का ना उसको आप सोचने का, उस दिशा में सोचें, तो यहाँ से इजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये हो गई सेक्शन सी की बात। इसके लिए बुक की बात करें तो बुक की बात करें तो आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ टॉपिक्स आपको इसके मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप बिहार नमन को कीजिए, फिर मैं इसके जो कुछ नोट्स है वो आप सभी के साथ साझा करूंगा डिस्कशन के क्रम में। तो वहां जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से हम 12 से 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अगर उस 12 से क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी आप वहां से इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से किस तरह के पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। फिर आता है ऑप्शनल का बात, ये ऑप्शनल 300 मार्क्स के, और ये बहुत बड़ा प्लेयर है आपके रिजल्ट में जो योगदान करता, जो एक विषय के रूप में ये ऑप्शनल बहुत बड़ा एक आपका निर्णय होगा, आप क्या चुनते हैं ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को किस प्रकार से चुने ये तो आपकी रुचि पे सबसे अधिक निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी PSIR इकोनॉमिक्स कुछ भी चूज करते हैं, तो यहाँ मान लीजिए आपने चूज किया इकोनॉमिक्स, तो यहाँ जब आप इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो यहाँ जो एक या दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं वो इजिली आप बना सकते हैं। तो कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिसको आप रखेंगे तो आपको GS Part 2 का जो ये सेक्शन है जो अभ्यर्थी जिससे को लेके थोड़े बहुत परेशान रहते हैं तो यहाँ पे आपको मदद मिलेगा। लेकिन हाँ कुछ ऐसे ऑप्शनल है जैसे हिंदी साहित्य, अच्छा ऑप्शनल है लेकिन इसका आपको मदद इधर नहीं मिलेगा। तो आप सभी ऑप्शनल अच्छे हैं आपकी रुचि के अनुसार से, जो है मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के इजिली कर पाया और वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा वो। तो अब है साक्षात्कार, ठीक है अब ये साक्षात्कार 120 मार्क्स के, तो साक्षात्कार के लिए अलग से विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है। जब आप जिस दिन से प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं, मेनली आपका मुख्य परीक्षा का तैयारी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे चैनल्स को सुने
और एक बात और, जो करेंट अफेयर्स के लिए दो तीन चीज आप करें, एक पेपर तो नियमित रूप से, एक हिंदी माध्यम से है तो हिंदी माध्यम का पेपर यहाँ से करने के बाद, एक राज्यसभा टीवी का देश देशांतर शो आता है जिसे आप नियमित रूप से करें, क्योंकि उसमें जो डिस्कशंस होते हैं पैनलिस्ट के वो बड़ा बेनिफिशियल होगा आपको। और एक मैं एक वनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन नियमित रूप से सुना करता था, और एक प्रतियोगिता दर्पण का जो 3-4 आर्टिकल है मंथली, वो बस यहाँ से। तो आप जब यहाँ पे ये करेंगे तो 120 मार्क्स के यहाँ पे आप अच्छा स्कोर यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलने का बड़ा महत्व होता है कि आप जो हिंदी लैंग्वेज को बोल रहे हैं वहाँ पे आप टूटा फूटा लैंग्वेज तो नहीं बोल रहे, कैसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल अच्छे से मेंस को कवर किए हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब मेरा जो मार्क्स था वो 527 था जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल मिला के, जिसे आप यहाँ पे मार्कशीट पे देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में 190, जीएस पेपर 2 में 160, 177, ये 527, और इंटरव्यू में मुझे 120 में से 105 मार्क्स मिले, जो सर्वोच्च स्कोर था। और इसका भी अनुभव हम अभी आप सभी के साथ साझा करूंगा, वो तैयारी के क्रम में, और कुल 632 मार्क्स मिले, और इसमें मेरा जो ओवरऑल स्थान था वो था 25वां। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मेरा मार्क्स डिटेल देख ही चुके हैं आप। तो ये हो गए आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित। अब हम आगे एक लेक्चर में मैं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ चीजों को, जो अभ्यर्थी 4-4, 5-5 मंथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि आप अगर बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस या इवन यूपीएससी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो पहले आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, तो उसमें अगर आप पास कर गए तो आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच में उतना समय तो दिया नहीं जाता विभिन्न आयोग के द्वारा कि आप उसको कवर कर सके। तो आप मुख्यतः तैयारी जो है मेंस का ही करें। अगर आपका 10 मार्क्स से भी प्रारंभिक परीक्षा छूट रहा है तो आप प्रारंभिक परीक्षा से 1-2 मंथ पहले आप पूरी तरह से उधर लगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का अगर आप लंबे समय तक तैयारी करते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कुछ इस तरह के विचार बनाने वाले सब्जेक्ट आपको मिलेंगे नहीं, वही चीज को आप रटते जा रहे हैं, और वो परीक्षा से 1 मंथ पहले जो अभ्यर्थी तैयारी करता है वो भी उतना मार्क्स लाता है। तो मैं उसमें, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप अगर उस चीज को अगर आप ज्यादा फोकस करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आप इजिली स्कोर कर सकते हैं अच्छा। दूसरी बात प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और वैसे इन सभी चीज को मैं एक और वीडियो में, और उसके बाद मैं जीएस पेपर 2 का डिस्कशन आप सभी के साथ स्टार्ट करूंगा मेंस के लिए। तो एक और मुख्य परीक्षा के विषय में जो जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा, कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईबीसी हो, बीसी हो, या फिर एससी हो, एसटी हो, या जनरल फीमेल हो, जो भी हो, आप कोशिश करें कि आपका रिजल्ट हमेशा जो है जनरल मेल के कट ऑफ से अधिक रहे, क्योंकि वहां पे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि ऐसा मुझे तो पूरी तरह से नहीं मालूम, लेकिन ये जो पता चला है कि जो बीसी कैटेगरी के लोग हैं उसका कट ऑफ जो मेंस के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा बीसी कैटेगरी में पास करते हैं, तो उसका जो है ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट भी बेस बीसी में बनेगा। तो आप कोशिश करें कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके मार्क्स इतने होने चाहिए कि 100 प्लस होने चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े कि 4 क्वेश्चन आज छट रहा है, 10 क्वेश्चन आज हटा दिया, तो आपको कोई जो है दिक्कत हो, आप सोचे भी ना उसके बारे में। तो वहां से हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में एक लेक्चर या एक जो विचार आप सभी के साथ साझा करूंगा, और उसके बाद मुख्य परीक्षा संबंधित जीएस पेपर 2 को आप सभी के साथ लेकर आऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या आपके सभी दोस्त के लिए बेनिफिशियल होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।